हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रास किचन लैब। आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल की दाल। जीरा, कड़ी पत्ता, अदरक, मूंगफली, हींग, दालचीनी और लौंग, धनिया जीरा पाउडर, हरी मिर्च, मेथी का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, नींबू का रस, राई, गुड़, सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता। अरहल की दाल यानी तुअर दाल को मैंने आधे घंटे पहले भिगोया था। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, हल्दी, मेथी का पाउडर। अगर आपके पास मेथी का पाउडर ना हो तो आप साबुत मेथी के 8 से 10 दाने ऐड करिएगा। हींग, इस दाल को हमें कुकर में बॉईल करना है। ये देखिए, ये अच्छे से बॉईल हो गई है। इसे हमें मैश करना है। दाल में हमने हल्दी ऐड की थी, इस वजह से दाल का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। आइए अब देखते हैं दाल बनाने का प्रोसेस। एक तपेला या फिर एक कढ़ाई लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कीजिए, उसमें ऐड करिए घी। यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच घी ऐड किया है। घी गर्म होने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे जीरा, कड़ी पत्ता। अब इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी और लौंग। लौंग हमें 3 से 4 लेनी है और छोटा टुकड़ा दालचीनी का। यहाँ पे अदरक को मैंने ग्रेट करके ऐड किया है, आप बारीक बारीक काट के भी ऐड कर सकते हो। मूंगफली, हरी मिर्च को मैंने साबुती ऐड की है, आप चाहो तो हरी मिर्च का पेस्ट या फिर हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के भी ऐड कर सकते हो। इन सब को हमें अच्छे से मिलाना है और आधे से 1 मिनट के लिए पकाना है। इस बघार की खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। इसमें हमने ऐड किया है धनिया जीरा पाउडर। हल्दी हमने दाल बॉईल करते वक्त ऐड की थी, अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हो। अब हमने इसमें ऐड किया है नमक। नमक हमने दाल बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था, तो यहाँ पे नमक हमें थोड़ा सा ही ऐड करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे घोटी हुई दाल। दाल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे से 1 मिनट पकने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। जिस बर्तन में मैंने दाल को बॉईल किया था, उसी बर्तन में मैंने पानी ऐड करके ऐड किया है। दाल बहुत पतली नहीं करनी है। गुजराती स्टाइल की दाल हल्की सी गाढ़ी होती है। इसमें मैंने और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अभी दाल पतली लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये उबलेगी ये दाल गाढ़ी बनती जाएगी। दाल को हमें 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। दाल की क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि दाल को आपको कितनी देर उबालना है। दाल जितनी उबलेगी उसका टेस्ट उतना ही बहुत बढ़िया आएगा। दाल अच्छे से उबल गई है, अब इस पर लगाएंगे तड़का। तड़का पैन में हमने ऐड किया है ऑयल। यहाँ पे ऑयल मैंने 2 चम्मच लिया है। उसमें ऐड किया है राई। राई अच्छे से क्रैकल हो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हींग। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च और दाल में लगाएंगे तड़का। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑयल में ऐड नहीं की है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होता है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अगर जल गई तो दाल का टेस्ट बिगड़ सकता है। बघार को हमने दाल में मिक्स कर लिया है और इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। 2 मिनट हमने दाल को ढककर पकाया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 नींबू का रस। गुजराती दाल खट्टी मीठी और हल्की सी तीखी होती है। नींबू के रस के बदले आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे गुड़। मैंने सारा गुड़ इसमें ऐड किया है। गुड़ आपको कितना ऐड करना है वो डिपेंड करता है गुड़ की मिठास पर। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे और दाल को 5 से 7 मिनट के लिए उबालेंगे। इस वक्त बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आपके आस पड़ोस में पता चल जाएगा कि आपके घर में आज गुजराती दाल बन रही है। दाल को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। ट्रेडिशनली गुजराती दाल का तड़का घी में लगाया जाता है और ऊपर से ऑयल का तड़का लगाया जाता है। इस वजह से इस दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। दाल जब भी हम उबालते हैं साइड में झाग आता है। ये झाग मैं हमेशा निकाल लेती हूँ, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है।
अगर किसी गुजराती फंक्शन में ये दाल हो ना, तब बाकी सारा छोड़, मैं सिर्फ ये दाल चावल खाती हूँ। मुझे ये दाल बहुत ही पसंद है। दाल चावल पूरी, आलू बैंगन की सब्जी, चूरमे का लड्डू और फुलवड़ी, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। थैंक यू।